गाइस आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बॉलीवुड के गलियारों से आ रही है बहुत बड़ी खबर और ये खबर है जानी मानी डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान से जुड़ी हुई। दरअसल फराह खान अब 300 करोड़ के लिए पति और 3 बच्चों को छोड़ने वाली हैं और ये बड़ा वो फैसला ले चुकी हैं क्योंकि वो 1 करोड़पति एक्टर को करना चाहती हैं डेट। कौन है वो एक्टर और आखिरकार क्यों फराह खान ने बोल दिया है इतना बड़ा फैसला लेने का, चलिए गाइज आपको बताती हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो बिना देरी के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर 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 कर लीजिएगा। देखिए बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर फराह खान अपने बिंदास अंदाज के लिए पहचानी जाती हैं और वो कपिल शर्मा के शो में पहुंची जहां पर उनसे काफ़ी ज़्यादा तीखे सवाल किए गए। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी मज़ेदार देखने को मिला जो कि फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं आपको बता दूँ कपिल ने फराह से सवाल किया कि अगर कोई गलती से आपके बैंक अकाउंट से 300 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दे तो आप क्या करेंगी। तो ऐसे में जो फराह है उन्होंने कहा 300 करोड़, फिर उन्होंने हंसते हुए मजाकिया अंदाज में कहा मैं रिटायर हो जाऊंगी, बच्चों को और पति को छोड़ दूंगी। यहाँ तक कि फराह की स्टेटमेंट पर अर्चना पूरन सिंह ने भी उनसे काफ़ी मज़े लिए और कहा कि बच्चों को तो नहीं छोड़ पाओगी, बच्चों के साथ तो तुम्हें मस्ती करनी चाहिए, पति को ज़रूर तुम छोड़ दोगी। ये तमाम बातें जो है ये कपिल शर्मा के शो पर हुई है। वहीं अर्चना पूरन सिंह ने आगे कहा तुम्हें अपने बच्चों के साथ 300 करोड़ को इन्जॉय करना चाहिए, लेकिन अर्चना कियो को बीच में टोकते हुए फराह ने कहा उनके साथ क्या मजा आएगा, टॉम क्रूज से मिलूंगी उसके साथ मजे करूंगी। ये तमाम बातें जो हैं ये फराह खान ने कही हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय के मूड में नजर आ रही थी। वैसे आपको बता दूं कि फराह अपने पति शिरीष कुंदर और अपने 3 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं और फिलहाल उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। जो भी उन्होंने कहा है सेट पर कपिल शर्मा शो के वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा है। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा मुझे कॉमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही।